खबर कोरबा जिले से है, जहां कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि सरोज पांडे के नामांकन दाखिल के बाद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे। इस दौरान सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिले के बाद सीएम साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरबा और बस्तर ही नहीं बल्कि सभी सीटें काफी अहम है और हम सभी सीटों को जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में भाजपा के कार्यों से लोगों में उत्साह है और वे हमें समर्थन दे रहे हैं। कोरबा संसदीय क्षेत्र की हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे का नामांकन फाइल कराने यहाँ पर आए हैं। हमारे डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साव जी, प्रत्याशी जी हैं, हमारे मंत्री देवांगन जी हैं, राम विचार जी हैं, श्याम ओपी चौधरी जी भी हैं, रेणुका सिंह भी हैं और हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और भारी उत्साह है पूरे प्रदेश में। हम तो अधिकांश क्षेत्रों में जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मतदाता में उत्साह है, मोदी जी के कामों से प्रभावित हैं और चार महीने में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी मोदी की गारंटी को पूरा करने में जो काम की है सबसे प्रभावित हैं और इस बार निश्चित रूप से कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।